कैसे हैं बच्चे हो? चलो, उम्मीद करते हैं हमारी कहानी को आप सपोर्ट कर रहे होंगे। अपने हिस्से से थोड़ा सा एक बूंद निकाल के छिड़क भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो खैर, मेरी यूट्यूब फैमिली, आगे बढ़ते हैं स्टोरी को सुनते हुए। चलिए आप सबको सुनाते हैं ये स्टोरी। जिन जिन लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं अपने दिलों को थाम के, जो लोग इस स्टोरी को पसंद कर रहे हैं, घुटन। चलिए बताते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ था। आधारिका और राधा, इन दोनों के दिमाग में जो ख्याल होते हैं, जो बातें होती हैं, दोनों ही मैच नहीं हो रही होती हैं। राधा जब अपने किचन में काम कर रही होती है तो आधारिका निकल के आती है, उसको देखती है उसको काम करते हुए। उसको बुरा लगता है, और जैसे कि राधा ने कहा होता है कि उसने उसके लिए पानी गर्म करके रख दिया है, वो जाके फ्रेश हो ले, नहा ले। वो जाती है, अपने कपड़े उठाती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होके आती है तो उसको देखती है काम करते हुए, जो ठीक से चीज़ों को कर ना पा रही होती है। उसको उस पर बहुत ज़्यादा दया आती है, एक इंसानियत के नाते ही सही, मगर उसको दया तो आती है राधा पे। और वो किचन में चली जाती है। किचन में जाके वहाँ पे एक छोटा सा स्टूल होता है, उस पे उसको बैठाती है और कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, मैं करके दे रही हूँ। राधा को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं होती कि शायद ये शहर की लड़की है, इसको बनाने भी आता है या नहीं। इस बात के लिए उसके दिमाग में एक संकोच होता है। क्या उससे वो पूछे कि आपको आता है या नहीं, मगर उसकी ना बोलने की, उससे किसी से सवाल ना करने की आदत चुप करा देती है। वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती है, बस खामोश नजरों के साथ उसके तरफ देख रही होती है। जब उसकी खामोश नजरें आधारिका की तरफ देख रही होती है तो आधारिका पलट के देखती है कि राधा उसकी तरफ देख रही है। वो अपनी नजरों से ही पूछती है, क्या हुआ? तो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं। आज तक उसके दर्द से किसी को फर्क नहीं पड़ा होता है, उसकी तकलीफ से किसी को तकलीफ नहीं हुई होती है, मगर आधारिका को उसकी तकलीफ से, उसके दर्द से, उसको दर्द हुआ होता है, उसको वो चीज़ महसूस हुई होती है। और वो कितनी सही महसूस हुई होती है, वो तो राधा और आधारिका दोनों को ही नहीं पता होता है। आधारिका जो भी उसके काम होते हैं ना राधा के, वो सारे काम वो कर डालती है। खाना बनाना, ना सबके लिए चाय बनाना, वो आधे घंटे में सारा काम करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने जो कल रात को दवाई दी थी तुम्हें वो लगानी है। तो कहती है कि ठीक है। इधर शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही होती है, घर में मेहमान अब आ रहे होते हैं, शादी में बस एक आध दिन बाकी रहे हो, मतलब बाकी होते हैं। जब उसके घर में जब मेहमान आ रहे होते हैं तो अब राजू का जो व्यवहारिकता है थोड़ा सा राधा के साथ नॉर्मल हो चुका होता है। जो घाव होते हैं अब वो धीरे धीरे भर रहे होते हैं, यूं कह ले आधारिका के सपोर्ट की वजह से या उसके दर्द को उस पर मरहम लगाने की वजह से। इन दोनों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
एक कड़ी होती है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही होती है। इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो बहुत ही कॉमन कड़ी होती है, दुख का, दर्द का, एहसास का, प्यार का। इन दोनों को पता ही नहीं होता है, अब उनको क्या नहीं पता है, और आपको पता है, मुझे पता है। आधारिका के रहने से राधा को अच्छा लग रहा होता है। राधा अपने दिल की बातें कहने से ज्यादा अपने दिल में वो बातों को दबा के रखना ज्यादा बेहतर समझ रही होती है। उन दोनों के बीच में ये कुछ दिनों की जो मुलाकातें होती हैं उन दोनों को बहुत करीब ले आई होती है एक दूसरे के। वो एक दूसरे के इमोशंस, भावनाएं समझने लगी होती हैं। वहां पे शादी की तैयारियां, पंडित बुलाना, मिठाई बनवाना, गांव वालों को बुलाना, भोज कराना, ये सारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त अपनी तेजी रफ्तार से आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। एक दिन ऐसे ही राधा काम कर रही होती है रसोई में, यूं कह ले किचन में। आधारिका आती है और उसके पास खड़ी होके कहती है कि कभी तुम इस घर से, इस गांव से कभी बाहर निकली हो? तो कहती है कि नहीं, क्यों? कभी हिम्मत जुटाई इस गांव और इस घर से बाहर निकलने के लिए? देखिए ज़रूरत क्या है जब शुरू से ही पैरों में बेड़ियां डल चुकी हो तो आसमान में उड़ने का ख्वाब बेकार है। तो कहती है कि पर क्यों, क्यों बेकार है? तुम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उम्मीद को, अपने प्यार को, अपनी चाहत को क्यों नहीं जी सकती? अपनी आज़ादी क्यों नहीं एंजॉय कर सकती? तो वो टर्न होती है और वो आधारिका की तरफ देख के कहती है, क्योंकि आधारिका कभी राधा नहीं हो सकती और राधा कभी आधारिका नहीं हो सकती, इसलिए आधारिका अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानती है, मगर राधा ना अपने हक के लिए, ना ही अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए। उसकी गलती हो या ना हो वो जानती ही नहीं है। आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाते कैसे हैं? अगर मैंने आवाज़ उठाई भी तो इस आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। जब ये बात सुनती है आधारिका, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो अपने गले को सूखता हुआ देख वो ग्लास में पानी उठाती है और उसको पीते हुए, अपने गले में पानी को उतारते हुए कहती है कि पर राधा, यहाँ पे ऐसे कब तक जियोगी? तुम्हारी मंजिल यहाँ पे तो है ही नहीं, तुम शायद ऐसे जिंदगी चाहती ही नहीं हो, तो जी क्यों रही हो? शायद हो सकता है कि इस तरीके की जिंदगी जीते जीते कहीं तुम्हारा दम ना घुट जाए, जो मैं नहीं चाहती। राधा एक बार फिर से आश्वस्त करते हुए आधारिका को कहती है कि मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो आधारिका, मेरे माँ बाप ने कहा था कि तुम जा तो रही हो डोली में, मगर उस घर से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए। इस परंपरा को बनाए रखना और अपने माँ पिता, अपने पति की इज्जत बनाए रखना एक लड़की का धर्म होता है, और वो धर्म तुम्हारी माँ भी निभाई है, तुम्हारी नानी ने भी निभाई है, तुम्हारी दादी ने भी निभाई है, और ये धर्म तुम्हें भी निभाना है, क्योंकि मुझसे छोटे मेरे भाई बहन हैं, मेरी बहनें हैं, उनकी शादी होगी, तो मैं जब अपनी शादी को तोड़ के अपने घर वापस जाऊंगी तो मेरे
जो छोटी बहनें हैं उनकी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी आधारिका। जब ये बात कहती है वो बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ बोल रही होती है, उसके आंखों में बहुत ज़्यादा संजीदगी दिख रही होती है आधारिका को। उसके शब्दों में वो एक ऐसा लग रहा होता है कि वो 23 साल की लड़की नहीं, कोई 30 से पार उम्र का एक समझदार व्यक्ति बात कर रहा हो। इतनी समझदारी राधा कैसे? वो बड़े आश्चर्य होके उसके तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में एक वजह ढूंढ रही होती है। शायद दिल ही दिल में आधारिका राधा को चाहने लगी है या सिर्फ एक वहम है। उसके दुखी होने से, उसको दुख में देखने से आधारिका को दुख हो रहा होता है। उस दुख का वजह वो नहीं जानती है कि ये दुख उसको क्यों फील हो रहा है। शायद वो राधा को बहुत करीब से जानने लगी है। राधा अपने आप को समझाते और कहती है कि मेरी जिम्मेदारी और मेरा जीवन यहीं पे है आधारिका, और मैं इससे भाग नहीं सकती। आधारिका चुप होके उसकी बातों को बड़े गंभीरता के साथ सुन रही होती है। सुनने के बाद कहती है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि शाम के संगीत में क्या पहन रही हो? तो कहती है कि पता नहीं, मगर कुछ तो पहन ही लूंगी। वो बहुत ज्यादा नर्वस अपने सांसों को धीमे करते हुए आधारिका बोलती है, पर क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता है? कहते कि जो मिल जाएगा वो पहन लूंगी। राधा जैसे ही किचन में होती है, उसकी सासू माँ जो राजू की माँ होती है, राधा राधा बहू आवाज देती है, कहती जी माँ जी आई। और उसकी माँ कुछ गहने कुछ कपड़े उसको निकाल के देती है। उसको इतना तक आज़ादी नहीं होता है कि उसके कुछ कपड़े कुछ सेवर वो अपने मन से पहन सके। कहती कि बहू ये शाम को पहन लेना, और हाँ शाम को पहनने के बाद निकाल के वापस मेरे पास ले आना, मैं तिजोरी में रख दूंगी, क्योंकि शादी का माहौल है, किसकी नीयत खराब हो जाए पता नहीं। तो कहती कि ठीक है माँ जी। वो ये कह के वो कपड़े ले लेती है और ले जाके वो अपने रूम में रखाती है। राजू की बहन जो कनिका होती है, उससे उसकी एक बड़ी बहन होती है, उसकी बड़ी बहन अमृता, वो आने वाली होती है। वो आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आती है। कहती है माँ कि तुमने तो माँ बताया ही नहीं, मुझे ऐसे ही बुला लिया, मैं तो मिठाई भी नहीं लेके आई, पूछो इनसे। वो अपने पति को भी साथ में लेके आई होती है, नारायण। नारायण बड़े अजीब नज़रों से जब वो राधा को देख रही होती है, देख रहा होता है, और उसकी नज़रों को पीछा करते हुए जब आधारिका ये देखती है, तो आधारिका राधा के सामने आके खड़ी हो जाती है। और खड़े होने के बाद वो नमस्ते करती है, नमस्ते मैं आधारिका हूँ। तो कहते कि ये आधारिका, तो दादी मतलब उसकी माँ बोलती हैं कि ये राघव की बेटी है, राजू का दोस्त राघव, उसकी बेटी है आधारिका। जो अमृता होती है वो भी नमस्ते बदले में बोलती है, और नारायण भी कहते कि तुम दोनों थके हारे आए हो, बैठ जाओ। राधा चाय पानी का कुछ प्रबंध करो बहू। कनिका अपने रूम में होती है, कनिका आती है, भागते हुए आती है और अपने दीदी के गले लग जाती है। वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है या भरोसा या विश्वास करती है, क्योंकि माँ के बाद अगर कोई उसका दूसरा दोस्त होता है
उसकी बहन होती है। अमृता कहते कि तुम कितनी दुबली हो गई हो, तुम खाना नहीं ठीक से खा रही थी क्या? भाभी आपने कनिका का ध्यान नहीं रखा, ये कितनी ज़्यादा दुबली हो गई है। आपने अपने खाने का तो बड़ा बढ़िया से ध्यान रखा होगा, वो टोन काटते हुए बोलती है। आधारिका को ये बात बिल्कुल भी नहीं जचती है। आधारिका धीरे धीरे कहीं ना कहीं दादा की होने लगी होती है। इस बात की खबर खुद आधारिका को भी नहीं होती है। राधा के लिए वो हमदर्दी, उसके लिए वो प्यार, वो कंसर्न, वो कब उससे वो जुड़ने लगी होती है उसको नहीं समझ आता। नारायण जो अपने होठों को राधा को देख के मीस रहा होता है, उसकी नजरें देख के ही वो समझ जाती है कि वो कुछ ज्यादा अच्छे नजर से नहीं देख रहा है। जैसे वो उठ के किचन में आता है और आते से ही कहते उसका जो हाथ होता है वो चाय के लिए बढ़ाती है राधा, तो उसके हाथ को वो पूरा नीचे से हथेली को टच करते हुए वो चाय को पकड़ता है, कहते कि अरे बहू चाय आप इतनी क्यों डर रही हैं, कोई भूत नहीं हूँ मैं, आपका जमाई हूँ, आप अगर कोई काम हो तो बता दीजिएगा। उसकी अजीब नजरें, कपड़े पहने होने के बावजूद भी राधा को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी नजरें उसके बदन को चीर रही हैं, वो इस तरह से देख रहा होता है। नारायण की नजरें उसके नाम की तरह नहीं होता है, राधा वो बखूबी समझ रही होती है, मगर वो घर के जमाई होने के कारण वो उसको कुछ कह नहीं पा रही होती है। तब तक आधारिका आगे कहती कि अरे मौसा, अरे फूफा जी, आप कहती कि फूफा जी मैं फूफा उफा नहीं हूँ। तो कहते कि अरे आप राजू अंकल के फ्रेंड, आप उनके बहनोई हैं, तो फूफा ही हुआ ना, भले मैं कनिका को अपनी फ्रेंड की तरह मानती हूँ, वो मेरी एज की है, मगर आप तो बड़े एज में हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं। उसका मुंह बन जाता है नारायण का और वो वहां से चला जाता है। जब देखता है कि इस तरह से उसके साथ आधारिका परछाई बन के उसके साथ खड़ी होती है, राधा अपने हाथों को अपने सीने पर रखते हुए थे धन्यवाद भगवान जी बचाने के लिए, वो जब हाथ जोड़ रही होती है आधारिका समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इस सिचुएशन से वो निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर वो नारायण से कितने दिन बच पाएगी। नारायण उसी घर में रहने वाला था और शादी में अभी 2 दिन बाकी थे। शाम की तैयारियां संगीत की हो रही थी, सब लोग तैयार हो रहे थे अपने अपने कमरों में, किसी को कोई खबर नहीं होता, रिश्ते नातेदार सब आ चुके होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं। उस शोर में नारायण को एक फायदा उठाने का मौका मिलता है। राधा कपड़े पहन रही होती है, सज रही होती है, संवर रही होती है और नारायण उसके कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही नारायण उसके कमरे में पहुंचता कहते कि अरे भौजाई आज तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, क्या भाई साहब पे बजली गिराने का मन है? तब तक उस टाइम पे भी सही टाइम पे सही वक्त पे आधारिका पहुंच जाती है और कहती कि अरे फूफा जी आपको फुआ बुला रही हैं। तो कहते कि बुआ फुआ मतलब ये क्या बोल रही हो तुम, नारायण बोल सकती हो आधारिका? तो कहते कि आपको मैं नाम से बुलाऊं, आप एज बड़े हैं तो लोग मेरे संस्कार पे उंगली उठाएंगे ना फूफा जी, बुआ आपको बुला रही हैं तो आप जाइए। वो अपने नजरों से इशारा करते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा रही होती है।
नारायण की नज़रें इतनी गंदी होती हैं कि वो समझ चुकी होती है आधारिका। नारायण बाहर के तरफ जाते हुए कहते हैं कि ये लड़की बार बार बीच में आ जा रही है, इसका तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब भी मैं भौजाई के कमरे में पहुंचता हूँ या उनके आसपास पहुंचता हूँ, ये पहुंच जाती है, इसको इसका कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बिना कुछ किए अब कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। तब तक अमृता आती है और कहती कि कहाँ थे जी, मैं कब से आपको बुला रही हूँ। हाँ थोड़े पैसे दीजिए, खर्चे होंगे। हाँ पैसे रख के क्या करेंगे, तुम्हारे खर्चे तो संभालते ही नहीं अमृता, तुम तो कितने खर्चे करते हो। अब तुम यहाँ आए हो तो अपने भाई से मांगो ना, वो ऐसा बोलता है। आधारिका अपने छोटे छोटे कदम को आगे बढ़ाते हुए राधा की तरफ, राधा मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने गहने को सजते हुए और संभालते हुए कहते कि देखो कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हो ना। राधा को जब वो ऐसे सजे सवरे देखती है, आधारिका का जो दिल का हाल होता है वो बेहाल होता है। वो शब्दों में बयान नहीं कर पाती, अपने दिल को थामे हुए और उसको बस एक टक नजरे भर के निहार रही होती है। उसकी प्यारी से स्माइल, उसके पतले लिप्स, उसपे से उसके सफेद दांत और भी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई और वो लाल साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। राधा को इस तरह से देख के आधारिका का दिल बाउंसी हो रहा होता है, ऐसा कह सकते हैं। वो अपने दिल को राधा के करीब जाने से रोक नहीं पा रही होती है। वो धीरे धीरे उसके कदम राधा की तरफ पड़ रहे होते हैं और राधा के पास आके कहती कि बहुत ज्यादा खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि शायद इस जहां में कोई ऐसा ना हो। कहती है कि क्या, तो कहती कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो राधा। तो कहती कि धन्यवाद, वैसे आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। उसने सूट सलवार ही वेयर किया होता है क्योंकि वो गांव का घर होता है, इस वजह से उसने सूट ज्यादा कैरी करना कंफर्टेबल समझा होता है। कहते कि धन्यवाद। उसके बाल खुले होते हैं, राधा के बाल जो होते हैं, अपने बालों को वो बहुत अच्छे से जूड़ा बनाई होती है। उसके जूड़े में वो लाल गुलाब और भी ज्यादा चार चांद लगा रहे होते हैं। उसके आंखों की काजल उसकी आंखों की शोभा और बढ़ा रही होती है। राधा इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, आधारिका उसको बस एक टक देखे जा रही होती है। कहते कि हाय इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं दिल चोरी ना हो जाए। दत्त कुछ भी बोलती हो ना, तो कहते कि नहीं नहीं मजाक नहीं कर रही, आज तो लगता है कोई दुल्हन से ज्यादा सुंदर लगने वाला है, कहीं कई दिलों के कत्ल हो जाएंगे। कहते कि ऐसी बातें राजू के सामने मत कर देना आप, राजू जी जो है ना ये सब बातें पसंद नहीं करते। तो कहती हैं कि ओके ठीक है नहीं करते। आधारिका राधा को देख के वो क्यों खुश हो जाती है, उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है। राधा तो इस बात से बेखबर होती है, मगर आधारिका कहीं ना कहीं अब उसका नेचर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहा होता है, आधारिका का नेचर राधा के लिए प्रोटेक्टिव हो रहा होता है। वो हर नज़रों से राधा को बचाना चाहती है, हर किसी के नज़रों से उसको छुपाना चाहती है, अपने लिए उसको एक अलग सी दुनिया में ले जाके बसाना चाहती है। मगर ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि राधा तो शादीशुदा है और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुई है। इन बातों से परे
अपने दिल को बिना समझाए, दिल जिस दिशा में भाग रहा होता है, आधारिका अपने दिल को उस दिशा में भागने देती है। अब उसके दिमाग में ये नहीं होता कि राजू क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आधारिका को। मगर आधारिका को भी ये खबर है कि उसके दिल में राधा के लिए क्या है। खैर, शाम तैयार हो चुकी होती है। एक तरफ से इतनी खूबसूरत शाम होती है जहाँ पे हर कोई सजा धजा अलग ही नूर चेहरे पे लेके सब एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं। मतलब अब वो शाम इतनी खूबसूरत होती है, गाने बज रहे होते, सब लोग नाच रहे होते, झूम रहे होते, राधा इधर भाग भाग के काम कर रही होती है, सबके लिए खाना पूछना, सब अच्छे से खाए, सबको अच्छे से आराम से सब कुछ मिला, सब कुछ सारी जिम्मेदारियां वो उठा रही होती है। घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जिसने खाना ना खाया हो, सब खा चुके होते हैं। खाने के बाद सब लोग धीरे धीरे अब वो नाच गा के अपने शाम को रंगीन बना के अब जाने लगे होते हैं। रात के 12 बज चुके होते हैं और सब सलाम, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे करते हुए अपने अपने घर को जा रहे होते हैं। सब अपने घर को जा रहे होते हैं। वहां पे एक व्यक्ति होता है जो वहां से नहीं जा रहा होता है, जिसको थोड़ा सा अपनी नजरों पे कंट्रोल नहीं होता है, राधा को इस नजर से देख रहा होता है। राधा को खुद भी खबर नहीं होता है, मगर उसके पास आने से उसकी घबराहट उसके चेहरे पे दिखने लगती है। नारायण बहुत दूर से वो उसको देख रहा होता है, राधा को जब वो देख रहा होता है, उसकी आंखों में ही हैवानियत, दरिंदगी और एक अलग ही हवस उसके आंखों में दिख रहा होता है। जब राधा सारे काम को करने के बाद अब अपने गर्दन को ऐसे पकड़ते हुए चेयर पे बैठती है तो कहती है कि हे भगवान, सारे काम अच्छे से हो गए। राधा को बिल्कुल खबर नहीं होता कि उसको कोई सामने से घूर रहा है। राधा को जब ऐसे घूरते हुए आधारिका खड़े होकर ये जब चीजें देख रही होती है तो वो आके बीच में खड़ी हो जाती है और नारायण कहते कि ये लड़की फिर बीच में आ गई, ये लड़की तो आफत बन चुकी है, पर इतना क्यों ये हेर फेर कर रही है, इसका मैं क्या करूं। फिर वो राधा को कहती है कि राधा खाना खा लो, सबने खाया है, तुमने नहीं खाया है। तो कहती है कि हाँ। वो रसोई में उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है, उसको वही स्टूल पे बैठाती है और अपने हाथों से खाना परोसती है एक प्लेट में और अपने हाथों से उसको मीसते हुए लाके राधा के सामने वो निवाला उसके मुंह तक बढ़ाती है। वो निवाला राधा अपने मुंह में लेती है और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? तो कहती है कि क्या, क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने का बहुत शौक है? तो कहते कि नहीं, मैं रो नहीं रही। तो कहते कि फिर ये ऐसे ना, मुझे कभी किसी ने खिलाया ही नहीं। तो कहती है कि किसी ने नहीं खिलाया ऐसे? कहते नहीं, और पता नहीं ना, ये मेरे दिल को बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं रोज तुम्हें खिला दूंगी। कहते हैं नहीं, रोज रोज नहीं खिलाना आधारिका, आज के लिए काफी है।
तो कहती कि पता है मुझे आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, जल्दी से खा लो, एनर्जी चाहिए ना, थक गई होगी और आराम भी करना है, जल्दी से खाओ। वो खाती है, खाने के बाद जैसे ही वो खड़ी होती है तब तक राजू चिल्लाता है, राधा। तो राधा वहां से चली जाती है, कहते कि मैं जा रही हूँ, तुम सो जाना। ये कह के वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। यहाँ खिड़की से नारायण किचन की तरफ झांक रहा होता है, ये जो प्यार उसको दिखा होता है, कहते कि ये कुछ अलग से नहीं लगा, ये आधारिका की आंखों में उसके लिए कुछ ज्यादा प्यार नहीं है, पर इतना प्यार क्यों? कभी मैंने नहीं देखा किसी लड़की को इस तरह से प्यार जताते हुए। कुछ तो गड़बड़ है नारायण, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की बार बार बीच में आ रही है। खैर अभी तो चलते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, और आधारिका मेरी नजर तुम पे अब रहेगी। ऐसा कह के वो चला जाते हैं वहां से नारायण। आधारिका वहां पे प्लेट धो के उसको साफ करके सुखा के रखती थी और रख के अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वो जा रही होती है उसके दिमाग में आता है कि अरे मैंने तो आज जो डैड को कॉल ही नहीं किया, ठीक है मैं डैड को वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वो वीडियो कॉल लगाती है, जैसे वीडियो कॉल लगाती है तो कहती है डैड, माँ कहाँ है, अभी आप दोनों ठीक हो, माँ की एलर्जी ठीक हुई? तो कहती है हाँ, तुम्हारी माँ अभी ठीक है और अभी तक तुम सो ही नहीं। तो कहती है कहाँ डैड, अभी तो सारा फंक्शन जो था अभी ख़त्म हुआ और सब लोग गए, अब सब लोग सोने गए तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। तो कहती है कि कहते हैं उसके पिताजी आधारिका के, कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें याद कर रहा था और तुम्हें यहाँ पे कोई मिलने आया है। तो कहते हैं कि कौन? तो कहती कहता है कि उसके उनके पिताजी कहते हैं कि अब तुम खुद ही बात कर लो। वो जब वो फोन देते हैं तो वो देख के शॉक्ड होती है, कहते कि तुम? तो गाइस हम भी चलते हैं और अगले एपिसोड में बताएंगे ये कौन है जिससे आधारिका काफी ज्यादा परेशान हो गई, उसकी आवाज में ये तुम क्यों आया और किस वजह से आया। आप भी जानना चाहेंगे बिल्कुल, तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हाँ स्टोरी को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी अपना सपोर्ट बनाए रखें और ख़ासकर मुझ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे, मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। चलिए आप सबको स्टोरी आगे से कंटिन्यू करते हैं। सानिया इस बात के लिए हामी भर देती है, हाँ ठीक है मैं आके यहाँ एक महीने तक रहूँगी। उनकी सारी शर्तों को मानते हुए दोनों ने हामी भर दिया होता है। कंगना अपने मुद्दों को अपने माँ के सामने रखी होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने जो फैसला लिया होता है उसको ये जान के तो बड़ी खुशी होती है कि उसकी माँ इस बात के लिए तैयार हो चुकी है और अब कोई दिक्कत नहीं है उनको, इस बात से उनको कोई तकलीफ नहीं है। जब वो कह रही होती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि शायद कुछ तो माँ में चेंज हुआ। उसकी माँ वहाँ से जा चुकी होती है, सामने खड़ी होती है, कहती कि आई एम सॉरी, ये आज जो भी हुआ मैं नहीं जानती थी, इस बात से तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होगा कंगना, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं करती। कहती है कि आई एम सॉरी टू, मैंने भी तो गलत किया ना, मुझे आप पे क्यों इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बार बार ये अधिकार नहीं है कि मैं आप पे हाथ उठाऊं। तो कहती है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, होता है। तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और मैं अपने प्यार को। वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हक करने के बाद फिर से उसकी माँ आती है और कहती है कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, आई थिंक सानिया। तो कहती है कि जी। वो अपने घर चली जाती है। जैसे ही नीचे आती है सीढ़ियों से, उसकी गाड़ी बाहर ही पार्किंग लॉट में खड़ी होती है और वो जाती है अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और अपने गार्ड्स को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद जैसे उसकी गाड़ी बाहर के लिए निकल रही होती है, उसके गाड़ी पे फायरिंग होती है। कुछ दो तीन लोग आके उसके गाड़ी पे फायरिंग करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो आसपास के लोग होते काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। ये किसने किया? और वो बहुत जल्दी में फायरिंग करके निकल जाते हैं, मगर शुक्र ये होता है कि वो गाड़ी में नीचे छुप चुकी होती है, उसको वो गोलियां नहीं लगी होती हैं। उसके गार्ड्स तब तक पहुंच जाते हैं, कहते कि मैम आप ठीक हैं? कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप तुम सब टेंशन ना लो और ये गाड़ी रिपेयर के लिए भिजा देना, मैं दूसरी गाड़ी लेके जा रही हूँ। कहती है जब वो कह के यहाँ से निकल रही होती है, जब ये शोर हुआ होता है तो सब लोग अपने अपने घरों से बाहर देखने के लिए आ चुके होते हैं और खबर तक नहीं होती है सानिया के ऊपर ऐसे अटैक्स हुए होते हैं कंगना को। अब कंगना क्या करेगी? कंगना क्या, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है वहाँ से जाने के अलावा। सानिया चली जाती है अपने घर को। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये किसने किया होगा, किसकी हरकत होगी, किसकी इतनी ज़रूरत है कि मुझ पे अटैक करे, वो भी सानिया शाश्वत अग्रवाल पे। मैं ये इस बात के तह तक जाके रहूँगी। वो बस अब सोच ही रही होती है, उसके दिमाग में बातें चली रही होती है। वो डोरबेल बजाती है, दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पे काका होते हैं। कहते काका आप घर नहीं गए? कहते बिटिया तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारे खाने के लिए, खाना गर्म कर दूं? तो कहती है कि नहीं काका, आज मुझे खाने का मन नहीं है, आप चले जाइए घर और दरवाज़ा लॉक कर दीजिएगा। वो फ़ोन लगाती है और गार्ड्स को बोलती है कि कोई भी गार्ड्स सोएगा नहीं, घर के बाहर सब पहरा देंगे, अगर कोई भी गड़बड़ हुई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये फ़ोन रखते ही उसका फ़ोन फिर से बजता है, वो कॉल कंगना का होता है। कंगना का कॉल उठाते से ही बोलती है कि हाय बेबी। तो कहती कि हाय, पहुंच गई घर? तो कहती कि हाँ पहुंच गई जस्ट अभी, पर आपको तो निकले काफ़ी देर हो गया ना, आप अभी पहुंच रहे हो क्यों? तो वो सोचती है कि अगर मैंने बोला तो ये परेशान हो जाएगी। कहती कुछ नहीं, वो गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मुझे दूसरी गाड़ी बुलवा के आना पड़ा इसलिए। तो कहती कि ठीक है अभी आप फ्रेश हो लो, कुछ खा वो लेना, फिर देन सो जाना। तो कहते कि ठीक है। तो कहती है कि ठीक है पक्का? तो कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक है कंगना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा कहती है और कहते कि ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, तुमसे सुबह बात करती हूँ। ये कह के वो फ़ोन तुरंत रख देती है। इधर मनीषा वो बालकनी से खड़े होके देख रही होती है सानिया को। कहती है ये इतनी रात को आ रही है और इतना परेशान क्यों लग रही है, इसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा शिकन है, जाके मैं पूछूं, पर वो बताएगी क्यों मुझे? बट फिर भी वो मन नहीं पाती है, अपने दिल को मना नहीं पाती है और चलते हुए आती है। कहती कि सानिया? तो कहते कि हाँ। वो टर्न होती है, देखती है मनीषा उसके पीछे होती है और कहते कि तुम परेशान सी लग रही हो। तो कहती कि नहीं मैं क्यों परेशान होंगी, और काम बहुत सारे होते हैं तो परेशानियां तो लगी रहती हैं। वैसे भी मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ और मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे डील करना होता है, और वो वही बातें मेरे दिमाग में चल रही होती, तुम ज़्यादा परेशान ना हो और जाओ तुम सो जाओ। ये कह के वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। मनीषा समझ चुकी होती कोई तो बात है, कुछ तो हुआ है,
कुछ तो बात होगी ही अब। ऐसे मनीषा को वो इग्नोर करते हुए जा रही होती है। मनीषा को ये चीज़ हजम नहीं होती है कि सानिया इस तरह से मुझे इग्नोर करके जा रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रही थी। कुछ तो हुआ है, पर क्या मुझे पता लगाना होगा। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। अंश कहीं ना कहीं अब मनीषा को चाहने लगा होता है। मनीषा के उसके साथ होने का एहसास होने लगा होता है। उसकी बातें सुनने की आदत हो चुकी होती है। अंश कहता है कि तुम कहाँ गई थी, तो कहती है कि तुमसे मतलब, तो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो कहती है कि भूलो मत, ये हमारी शादी झूठ मूठ की है और इसको सच समझने की गलती मत करना। तो अगर सच हो जाए तो क्या दिक्कत है मनीषा, तो कहती है कि बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ आया, और सो जाओ चुपचाप। वो जाके अपना ब्लैंकेट लेके सो जाती है, और जब वो सोती है तो अंश का दिल अजीब सा टूटता है। अरे क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंश अपने दिल में उम्मीद रखे हुए, उसको ये लगता है कि अभी भी मेरे पास मौका है, मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकता हूँ, और बनेगा। वो कैसे बनेगा उसको पता ही नहीं होता है, और कौन बना के देगा। खैर सानिया अपने कमरे में पहुंच चुकी होती है, कपड़े चेंज करके नहा के फ्रेश होके रूम में बैठती है, और उसके दिमाग में लेटते से शालू जी की बात, फिर गाड़ी पे फायरिंग, वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। वो उसके दिमाग में आ रहा होता है कि ये कौन कर रहा है, कोई तो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा है, पर हो कौन सकता है, ये अब बस उसके दिमाग में चले जा रहा होता है। तो फिर उसके बाद से वो लेट जाती है, लेटती है और इंतज़ार कर रही होती है नींद आने का। नींद आए तो वो सोए और उसकी नींद पूरी हो। अगर उसको नींद नहीं आ रही होती, बार बार वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमे जा रही होती हैं। अब कहानी को दूसरे तरफ शिफ्ट करते हुए बताते हैं कि शालू जी जैसे ही अपने कमरे में जाती हैं, वो अपना फ़ोन उठाती हैं। फ़ोन उठाने के बाद वो फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं कि सारे इंतज़ाम कर देना और हम लोग आ रहे हैं। तो सिर्फ आप दोनों ही आ रहे हो ना, तो कहते कि नहीं, एक और व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है। वो रातों रात कहाँ जाने की बात कर रही होती हैं, कहाँ पहुँचने की बात हो रही होती है। यहाँ कंगना को अपने प्यार को पाने की खुशी हो रही होती है, सान्या को टेंशन हो रही होती है, और इन दोनों को अलग करने की एक तरफ तैयारी भी चल रही होती है। अब इन दोनों का साथ कितना लंबा है, भगवान ही मालिक है। इनके मोहब्बत में और क्या क्या फसाने बाकी हैं इसमें भी। सानिया चुपचाप लेटी तो होती है, मगर उसको नींद नहीं आ रही होती, बार बार वो अपने फ़ोन को देख रही होती है। तब तक उस पर एक मैसेज आता है, सो गई, कहते कि नहीं जगी हूँ। फिर वो टाइप करती है इमोजी, किसका, फिर वो भी किसका इमोजी सेंड करती है सानिया। फिर कंगना इधर से उसको हक करने का इमोजी सेंड करती है, तो सानिया भी उसको हक करने का इमोजी सेंड करती है। उन दोनों की इमोजी इमोजी चल रही होती है। थोड़ा सा सानिया को इस चीज़ों से थोड़ा सा अच्छा लगता है, और धीरे धीरे उसकी नींद कब उसके आंखों पे आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता, वो सो जाती है। इधर कंगना भी सो चुकी होती है। उनकी अगली सुबह कितनी चैलेंजिंग होगी, बिना खबर, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, किस तरह की होगी, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है।
उन दोनों के दिमाग में ये बात अलग ही घर कर चुकी होती है, स्टोर हो चुका होता है कि ये सच में ऐसा होना है। पर क्या ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। सान्या अब सुबह उसकी आंखें खुलती है, जो रोशनी और चिड़ियों की आवाज से उसकी आंखें जो खुलती हैं, उसकी आवाज से आंखें खुलते ही उसको ये लगता है कि एक नई सुबह शायद उसके जिंदगी में एक नई सुबह लेके आएगी। आज का दिन उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। वो ये सोच के तैयार कर चुकी होती है खुद को पहले ही। वो जाती है फ्रेश होके, बढ़िया सूट पहन के, बालों को जमा उमा के, भाई ससुराल जाना है, महीने भर रह के आना है और साथ में अपने घर वाले को भी लाना है। उसके दिल में ये सारे ख्याल होते हैं। जाएगी सासू मोम को मनाएगी और फिर अपनी होने वाली मतलब वाइफ को घर लेके आएगी। उसकी खुशी दो गुनी होती है, वो कल रात का इंसिडेंस बिल्कुल भूल चुकी होती है। वो गुनगुनाते हुए नीचे उतर रही होती है। मनीषा उसके दिमाग में आता है कि शाम को तो बहुत ज्यादा परेशान थी रात में, और ये आज सुबह ऐसा क्या हुआ कि ये गुनगुनाते हुए आ रही है। जैसे ही ये गुनगुनाते हुए नीचे उतरती है, उसकी दादी कहती है कि क्या बात है, आज मेरी पोती बहुत ज्यादा खुश लग रही है। तो कहती कि हाँ दादी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो कहती कि पर हुआ क्या है, बताओगे? तो कहती कि हुआ तो कुछ नहीं है। तो कहती है कि हुआ कुछ नहीं है, पर तुम इतनी ज्यादा खुश हो तो कोई तो बात होगी। तो कहती है कि बात तो है और बताऊंगी मैं आपको, पर सबको इकट्ठा कर लेती हूँ फिर उसके बाद। अपने दादा दादी चाचा चाची अंश मनीषा अंशु सब लोग हॉल में, वीरेंद्र सब इकट्ठे हो जाते हैं। वीरेंद्र को सबसे पहला काम देती है, कहते हैं कि तुम्हें बेंगलोर जाना है और वहाँ पे एक फाइल साइन करा के लेके आनी है। और ये बात बोल के उसको सबसे पहले घर से रवाना कर देती है, कहती कि तुम जल्दी जाओ और मेरे मैनेजर से मिलो। पर दीदी ये तो कहती कि तुम्हारा सामान लगेज जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, तुम जाओ निकलो। वो उसको भेज देती है। भेजने के बाद अब क्या हुआ होता है ये भी सीन है। अब वो सबको बैठा के, अपने पापा मम्मी को भी बैठा के कहती है कि मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से जा रही हूँ, कोई भी परेशान नहीं होगा, मैं टाइम टाइम पे आके आप सबको देखती रहूंगी, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं मैं कविता को बोल दूंगी, वो आके आपकी सारी चीज़ों को फुलफिल होता रहेगा और कोई इशू नहीं होने वाला है। तो पर तुम जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। सब लोग बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहते कि मैं बता रही हूँ डैड मॉम, बता रही हूँ मैं कंगना के घर जा रही हूँ और उसकी मॉम ने एक मन का शर्त रखा है और मुझे उसके घर में एक महीने तक सरवाइव करना है। पर ये सब क्यों और अभी ये सब करके क्या मिलेगा? तो ये देखिए मुझे नहीं पता, पर शालू आंटी ने ये बोला है और मैं ये करके कंगना को अपने साथ लेके आना चाहती हूँ और उम्मीद है आप सब भी यही चाहते हैं। सब लोग सर हिला देते हैं, पर उसके दादाजी थोड़े परेशान से लग रहे होते हैं। तो जब कहते कि दादाजी क्या आप खुश नहीं हैं, तो कहते हैं कि पर बेटा अगर कंगना को भेजना ही है तो एक महीने का शर्त क्यों, और तुम ऐसी जगह पे क्यों जा रही हो जहाँ पे कोई कनेक्शन, तुम आ ना सको, हमसे मिल ना सको, हमारी बात ना हो सके। तो कहती है कि पर दादाजी बहू भी तो आप ही को चाहिए ना, और कंगना अगर इस घर में चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ तुम्हारी बातों को, तुम्हारे इस शब्दों की गंभीरता को समझ रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे इन सब बातों में
थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा अलग समझ आ रहा है कुछ तो वो सोच के रखी हैं शालू जी। तो कहते हैं कि दादाजी आपने पोती को आपने कुछ कम समझा है क्या, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तो कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा तो है पर सामने वाले व्यक्ति पे नहीं है, और वो कब क्या करते इस बात पे भरोसा नहीं है। फिर भी ठीक है, तुम जाना चाहती हो और तुम्हारे प्यार का मामला है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो सब लोगों को, अपने घर वालों को सारा नियम कानून कायदा समझा देती है, सब कुछ बता देती है। सब लोग इस बात से सहमत हो चुके होते हैं और वो काका को बोलते, काका मेरा सामान पैक करके कंगना के घर पे भेज दीजिएगा और फिर मैं आप लोगों से आज जो तारीख है, आज है 24, तो मैं आप सबसे मिलूंगी अगले 24 को। तो कहते हैं कि पर बेटा इतने दिनों के लिए फिर कंपनी और ये सब। तो उसके पिताजी का चिंता वो साफ साफ समझ रही होती है, उसको समझ भी आ रहा होता है। इधर अंश बोलता है कि दी आप टेंशन ना लो, कंपनी मैं जाके रेगुलर देखता रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक होगा। कहता है कि और हाँ, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है, मैं आप ही का भाई हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। अरे यार मुझे तुम पे भरोसा है भाई, बिल्कुल है, तुम मेरे भाई हो, आखिर मेरे गुण तुम में थोड़े बहुत तो होंगे। सब हंसने लगते हैं और वहाँ से सब लोग बाय बोलते हुए अपने गाड़ी में बैठती है और वो निकल जाती है ऑफिस की तरफ। ऑफिस पहुँचती है, जैसे पहुँचती है फ़ोन उसका बजता है। कहते कि हाय मेरी जान, तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस पहुँच गई। तो कहते कि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इसलिए जल्दी ऑफिस पहुँच गए होगे, इसलिए मैंने फ़ोन लगाया। वैसे तुमने नाश्ता किया? तो कहते कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया। और आपने किया? तो कहते कि मैंने कैंटीन से मंगवाया है, मैंने आज घर पर नाश्ता नहीं किया। तो कहते इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट? तो कहते कि हाँ बहुत ज़्यादा, अपने बीबी को पाने का किसका एक्साइटमेंट नहीं हो गई, जिसका इतना इंतज़ार किया मैंने। तो कहते कि है किसी की नज़र ना लगे, वो अपने हाथों को ऐसे अपने आप पे फोड़ रही होती है कि मतलब अपना अपनी तारीफ कर लो तुम कंगना। जब कहती है कि अरे एक और न्यूज़ है, तो कहती है कि क्या? तो हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। क्या कोलकाता? क्यों? हमारी तो कल बात हुई थी ना, और आंटी ने बोला था कि मुझे एक महीने उनके घर पे रहना होगा और मुझे वहाँ पे उनके साथ तो रुकना होगा और सर्वाइव करना होगा। तो कहते कि हाँ 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 वही बातें हैं, ठीक है, वही चीज़ें हैं, वही सारी बातें हैं, वही बात समझ के महाप्रभु। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कल शर्त रखी थी, ये कोलकाता जाके ये सारी चीज़ें होंगी। और उन्होंने टिकट वगैरह कर लिया है और हमारा वहाँ पे घर है तो कोई इशू नहीं होगा। और हाँ वहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी हैं और आपको मेरे माँ के साथ साथ हमारे पूरे रिश्तेदारों को भी इम्प्रेस करना है। कहते कि क्या? व्हाट? कहते कि हाँ ये सीरियसली? तो कहते कि सीरियसली, और मुझे अभी ये सुबह सुबह ही पता चला है और माँ ने मुझे बोला है कि मैं ये आपको बता दूँ। तो कहती है कि तुम सच में माँ बेटी पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहती हो ना। तो कहते कि वो हेलो आपको क्या करना चाहते हैं, मैं आपका कुछ नहीं करना चाहती। और रही बात माँ की, तो माँ से पूछ लेना, मुझे नहीं पता, मुझे माँ ने जो बोला था बताने को मैंने बता दिया, अब मेरे ऊपर मत चढ़ो। तो कहते कि मौका ही कहाँ दे रही हो। जब वो ये बोलती है तो वो हंसने लगती है, कहते कि कुछ भी बोलना है ना। तो कहते है कहीं शर्मा गया क्या? तो कहते कि बिल्कुल नहीं, और हाँ ऑफिस गए हो, काम पे ध्यान दो।
पता है एक और न्यूज़ है मेरे पास, कहती है क्या, कल रात को ना किसी के गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। वो तो सुबह दूध वाले अंकल आए थे तो वो बता रहे थे, तो कहती हैं कि तुम लोगों को नहीं पता था, तो कहते हैं कि नहीं। वो फिर भी उस बात को दबा जाती है और नहीं बोलती है कंगना को। सानिया सानिया कहती है कि ठीक है, कोई किसी की कोई दुश्मनी होगी, किसी ने दुश्मनी निकाली होगी। कहती है कि पर दिन दहाड़े इस तरह से कोई अपने घर में सेफ नहीं है, मुझे तो लगता है उनको कंप्लेन करनी चाहिए, जिसने भी किया उनको सजा मिलनी चाहिए। कहते कि हाँ जरूर, ठीक है मेरी जान, मैं फोन रखती हूँ और मैं ऑफिस में हूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलते ही हैं शाम को तुम्हारे घर पे, अब जो होगा देखा जाएगा। कहते कि देखा नहीं जाएगा, मैं देखने उखने के लिए नहीं बोल रही, आपको मेरी माँ को इम्प्रेस करना ही है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं कि जैसी आज्ञा देवी, मैं वैसे फॉलो करूंगी। कहते कि तथास्तु। कहते अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, फोन रख देती है। फिर वो दोबारा फोन लगा के कहती है हेलो, तो कहते हाँ आई लव यू, तो वो हंसते हुए कहते आई लव यू टू। सानिया जब ये बोलती है, कंगना फिर फोन रख देती है और रख के दोबारा वो फोन नहीं लगाती है, उसको इमोजी सेंड करती है किसकी, और इमोजी सेंड करने के बाद वो जा ही रही होती है, तो तब तक उसका मैनेजर उससे टकराता है, तो कहता है कि मैम आप आज बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। तो कहते कि तुम्हें क्यों जानना है मेरा मुस्कुराने का राज, हाँ, और तुमको एक काम दिया था, हुआ या नहीं हुआ, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता है ना। तो कहते मैम हो गया है काम, आपने जो बताया था मैंने कर दिया है। कहता डेविड का फोन आता है, कहता कि मैम कोई क्लू नहीं मिल रहा है, और मैंने बहुत ज्यादा छानबीन की, कुछ मिल नहीं रहा है। तो कहती है कि ढूंढो, नहीं मिल रहा है तो अब वो भी मैं भी ढूंढ के दूँ, अगर मैं वो चीज़ कर पाती तो तुम्हें क्यों हायर करती, और हाँ कल रात मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी ये भी पता करना है, सारी चीज़ें खोद डालो, मुझे बस चाहिए किसने किया है और कैसे किया है, बस मुझे जानना है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और उम्मीद है कि तुम इस बात को समझ पा रहे होगे। तो कहता है कि जी मैम मैं करता हूँ कुछ। वो कहती कि ठीक है अब रखो फोन। वो अपने कैबिन में दाखिल हो जाती है, जैसे अपने कैबिन में दाखिल होती है कुछ फाइल्स होते हैं, जैसे वो फाइल्स उठाती है उसके कुछ पन्ने चार पांच पलटती है, उसको उस फाइल को देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो शॉक्ड हो जाती है, व्हाट ये क्या है, और ये हुआ कैसे, ये कर कौन रहा है। वैसे बोल के वो फाइलों को और पलाटे जा रहे होते। तो चलिए फ्रेंड्स अपन जानेंगे क्या अव्यांशी, सॉरी अव्यांशी आ रहा है, सनी अपने काम अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, क्या कंगना को अपने घर लाएगी, कंगना उसके घर आ जाएगी इतनी आसानी से, उसकी माँ इतनी आसानी से उसको छोड़ देगी। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मुझे, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आजकल मेरा जबान जो है ना बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है यार। खैर आप सब शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय, टेक केयर।